बात कर रहे हैं फिल्म टोटल धमाल के डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 22 फरवरी को आज के दिन रिलीज हुई फिल्म टोटल धमाल को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की है। अभी तक इस फिल्म के सभी शो 30-35% ऑक्यूपेंसी के साथ आज काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है, जबकि इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ अजय देवगन कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार सिंह और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म टोटल धमाल धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। इससे पहले रिलीज हुई इस सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी और इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म जल्दी अपने 50 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और साथ ही आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।